ट्रैक्टर जो है वो अभी चल गया। सही स्पीड से पानी निकला ट्रैक्टर का। ये जरा चेक करें, सब्जी फिरोश जो है, फ्रूट भी साथ में लियो, सब्जी भी लियो, तकरीबन 8-9 किस्म की जो है वो सब्जी लियो, और रिक्शे के ऊपर ये बेच रहे हैं। गैस की भी बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला के फजल करम और एहसान के साथ मैं हूं आपका दोस्त असद बलोच। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज असद बलोच। कॉल आ गई है जी, अब्बा जी की जी कॉल आ गई थी। और सुबह सुबह जी, मोहम्मद साहब क्या हाल है आपके, कैसे हो आप, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। ये क्या उठाया हुआ आपने? गैस। गैस सिलेंडर उठाया हुआ है जी। किसकी जान हो? आपकी। मेरी जान है मोहम्मद। अच्छा जी, मिस्त्री साहब आ गए हैं। गाड़ी को पता नहीं, समझ ही नहीं आ रही कि क्या मसला है। बिल्कुल A1 थी, स्टार्ट बिल्कुल एक्यूरेट था। अभी सुबह जो है मैंने सलफ लगा लगा के तो उसने बोला मैंने स्टार्ट होने ही नहीं, तो अभी आ रहा है मिस्त्री को, उसको चेक करवाते हैं क्या मसला। अगर स्टार्ट हो जाती है तो ठीक, अगर नहीं होती तो फिर दूसरी गाड़ी जो है वो लेके जा रहा हूँ। इसको इसलिए लेके जा रहा था थल, क्योंकि इसके अंदर जो है खाद भी सारा कोई जो सिस्टम है बंदा डाल सकता है, इजीली जा सकता है 4x4 भी। तो अभी तकरीबन 4-5 गट्टू जो थे वो बीज के भी और खाद के भी लेके जाने थे, तो इसके ऊपर तो इजीली चले जाते। दूसरी गाड़ी है उसके ऊपर बहुत मुश्किल है, 1 या 2 मैक्सिमम जो है वो कीस जो है खाद के या बीज के वो बंदा लेके जा सकता है। तो अभी मिस्त्री साहब पहुंचने वाला है, देखते हैं क्या बनता है, फिर आपको भी दिखाते हैं जी। थल जी। आपने आना है थल जी। कल आप गए हुए थे, कब? आपके बाल कट्टू करवा दें, के बड़े करने हैं बाल? कट्टू करा दें। हाँ। अच्छा सबको बाय बाय बोल दो, सबको कैमरे में देख रहे हैं ना आपको, जो जो उनको सबको ऐसे बाय बाय कर। बाहर आपको मामू रहमान ने ये वाली गाड़ी सिखाई थी जी। ओके, ऐसे बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो कैमरे, बाय 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 जी। तो भी स्थल जो है पहुंच गए हैं हम लोग, और जो मटेरियल वगैरह सामान वगैरह लेने वाला था वो भी ले लिया, और अभी जी ट्रैक्टर का लेना था फिल्टर, ऑयल फिल्टर जो है ना वो ख़राब हो गया था, तो इस वजह से हाइड्रोलिक जो था वो सही काम कर नहीं रहा था। चेक करवाते हैं, ये था फिल्टर, ये पुराने वाला जो था ना इस तरह प्रेस हो गया था बिल्कुल ही, ये बिल्कुल पुराना होके बिल्कुल उसका प्रेस हो गया था, तो अभी जो है इसको चेंज कर दिया, नया फिल्टर का कवर ये पड़ा, नया फिल्टर ऊपर डाल दिया प्रेशर से, तो अभी देखते हैं कि हाइड्रोलिक जो है वो किस तरह काम करता है। हेड ब्रेक चेक लें, पीछे रेड ते खलोता है, सही हो गया। हाँ तो फिर जेड़े ट्राली का मसला करें दा, यो इसे वजह तो करें दा ट्राली। अच्छा तो इवर इस जगह में ना सारा चारा खड़ा था वो कटवा दिया जी, और ट्रैक्टर जो है वो अभी चल रहे हैं, रोटर लगा के उसके बाद जो है फिर इसके ऊपर लेजर जो है वो स्टार्ट करना। ये प्लाट जो है ये अलग होगा, और ये वाला जो प्लाट है ये अलग लेजर होगा। ये जितने भी चारा वगैरह इधर खड़ा था वो सारा कटवा दिया जी, अभी इसको यहाँ से उठवा के रेड़े के ऊपर तो दूसरी जगह जो है बैक साइड उस जगह पे रखवा देंगे, और इधर भी पूरा रोटर वगैरह लगवा देंगे, और उसके बाद फिर लगाएंगे जी लेज़र। बाकी मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पर जो है गंदम काश्त कर दी है, कुछ एरिए में काश्त कर दी है, उधर अभी जो है पानी अब लगाना, और दूसरी जो जगह है वहाँ पे जो है 3-4 प्लाट जो है वहाँ पे पानी लगा दिया, वो भी अभी आपको चेक करवाता हूँ कि उसकी क्या रूटीन है जी। तो अभी बस 4 प्लाट जो है वो हो गए हैं जी पानी के, अभी जो है बिल्कुल पानी जो है वो एंड पे पहुँचा हुआ है, और सोलर भी साथ साथ आप लोगों को चेक करवाता हूँ जी। ये चेक करें, यहाँ तक जो है पानी पहुँच गया, वो कितनी दूर जो है प्लेट्स लगी हुई हैं, अभी जूम करूँगा मैं आप देखिएगा, वो प्लेट्स लगी हुई हैं, और ये जो वाटर लाइन आ रही है वो इतनी दूर बंदे खड़े हैं, वहाँ से जो है अभी जूम भी इतना ही हो रहा है, चेक कर, इतना दूर से पानी यहाँ तक पहुँचा हुआ है, अभी तकरीबन
टाइम जो है एस्टिमेटेड 2:30 जो है वो हो गए, 2:30 बज गए हैं तकरीबन, और सोलर जो है वो भी अभी जवाब देने लगा। तो रूटर जो है वो तकरीबन 1 एकड़ रूटर बाकी रह गया, उसको रूटर लगा के रूटर देंगे निकाल और फिर लगाएंगे जी क्रॉस, मतलब के ट्रैक्टर के ऊपर पानी जो है वो बोर चलाना स्टार्ट करेंगे। वो भी अभी जाके आपको दिखाते हैं। ये पूरे प्लाट जो है, ये पूरे प्लाट वो लास्ट एंड तक इनके अंदर जो है गंदम काश्त हो गई है, अभी इनको पानी लगाना बाकी है ये पूरे प्लाटों को। ये जो प्लाट है दूसरी तरफ, ये वो लास्ट वहाँ तक आगे तक इनके अंदर भी गंदम जो है वो काश्त कर दी है, अभी पानी जो है वो लगाना। थल में ये तरीके कार होता है, और वैसे जो दूसरा हमारा एरिया है वहाँ पे ये होता है कि वत्र होता है, और वत्र मतलब गीली ज़मीन होती है, एक ख़ास मिकदार की गीली होती है, तो उसको वत्र बोलते हैं। जब वत्र में आती तो हल वगैरह चला के बीज वगैरह खाद बीज डाल के तो ऊपर से जो है फिर हल चला देते हैं, उसको दबा देते हैं, तो पानी उधर नहीं लगाते, वो तकरीबन खुद ही वत्र के ज़रिए जो है वो गंदम है या कुछ भी चारा जात जो भी है वो हो जाते हैं। और थल में ये होता है कि बीज और खाद डाल के इधर जो है वो वात्र ज़्यादा टाइम नहीं रहता, मीन के नीचे जो है पानी का गीलापन जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं रहता, तो इसलिए खाद बीज डाल के ऊपर जो है इसके ऊपर हल और मेड़ वगैरह चला के बीज को और खाद को नीचे दफन कर देते हैं, फिर ऊपर से जो है पानी लगा देते हैं। तो इस तरह जो है ये थल की काश्त जो है गंदम ख़ास तौर पर, तकरीबन गंदम और इसके अलावा भी बाकी भी जितनी चीज़ें हैं वो इसी तरह ही काश्त होती है। मैं अभी जा रहा हूँ वो प्लाट आपको दिखाता हूँ। अच्छा तो व्यूअर ये चेक करें, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो था वो बाजरी लगाई थी और इसके अंदर डाला था हम लोगों ने तोरिया, वो माशाल्लाह काफ़ी मिकदार में जो है वो निकला हुआ है। तो 4 दिन 5 दिन पहले पानी लगाया, 4 दिन 3 दिन 4 दिन पहले, तो अभी जब नेक्स्ट पानी इसको लगाएंगे तो यूरिया खाद जो है वो बिल्कुल हल्की हल्की मिकदार में इसको यूरिया खाद जो है वो डाल देंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये मतलब विद इन मंथ्स, विद इन मंथ्स जो है ये बिल्कुल ग्रो करके बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा हमें ये है, इसका फ़ायदा हमें ये कि ये साल में तकरीबन 8 महीने 9 महीने जो है इसके 5 से 6 जो है वो कट हम लोग ले सकते हैं। अभी तकरीबन 1 महीना भी नहीं हुआ हम लोगों ने इसको लगाया, और ये ज़रा चेक करें इसकी कुंपलें, नई कुंपलें जो हैं वो ब्रांचेस वो निकलना स्टार्ट हो गई हैं, ये ज़रा चेक करें, ये चेक करते जाएं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो प्लाट है पूरा, ये पूरा प्लाट जो है ये गंदम का काश्त हो गया है जी, पानी भी लगा दिया, सारा ओके हो गया। बाकी अभी दूसरे प्लाट जो है वहाँ पे पानी लगता है आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स क्या हाल चाल है, अभी तकरीबन 6 का टाइम है और सूरज जो है वो तो गरूब हो गया ऑलरेडी, अभी ट्रैक्टर चला दिया क्रॉस मैंने चेक करवाया और पानी अभी लग गया है जी। ये बिल्कुल हम लोग एंड पे आए हुए हैं, हमारी यहाँ पे जो है ना हदूद ख़त्म हो रही है, उसके बिल्कुल एंड पे आए हुए हैं। ये इसके दूसरी तरफ, ये भी वाटर लाइन जा रही है, इसकी दूसरी तरफ जो है वो कुछ प्लाट पड़े हैं, 1 2 3 3 4 प्लाट पड़े हैं। तो पहले ये सबसे ऊंचे दो प्लाट जो है ना, सबसे ऊंचे प्लाट है, पहले इनको पानी लगाया, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत जो है वो रोशनी है तो उससे हम लोग इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे कि रोशनी में ये 2 3 जो प्लाट हैं ये निकल जाए, उसके बाद जो है नीचे वाले जो प्लाट हैं वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी ट्रैक्टर जो है चल रहा है,